हाई एवरी वन द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज एयर विच इज़ चैप्टर फिफ्टीन ऑफ साइंस क्लास सिक्स वी विल फर्स्ट डिस्कस वॉट इज एयर मेडअप ऑफ एंड आफ्टर दैट कम्पोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज ओके लेट्स बिगेन विद दिस एयर इज मेडअप ऑफ फाइव कंपोनेंट्स मेनली फर्स्ट इज़ वाटर पेपर सेकेंड इज ऑक्सीजन थर्ड इज़ नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिफ्थ इज डस्ट एंड स्मोक अब हम इन सब के देखेंगे प्रूफ कि मतलब प्रूफ कैसे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या मतलब कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे एयर में वाटर वेपर्स भी हैं या फिर ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और डस्ट एंड स्मोक भी होती है ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे वन बाय वन फर्स्ट इज वाटर वेपर वाटर वेपर्स क्या होते हैं जब वाटर जो है एवेपोरेट होता है तो वो वेपर्स बना लेता है वेपर्स मतलब जो स्टीम होती है उसकी ठीक है छोटे छोटे छुट ड्रॉप गैस टाइप आपको स्टीम टाइप दिखती है वो कुछ नहीं होते वो वेपर्स ही होते हैं वाटर के अब एग्जाम्पल क्या है यू कैन सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपेयर ऑन द कूल्ड सर्फेसिस आपने देखा होगा कि अगर आप एक ग्लास में ठंडा पानी लेते हो या फिर एक पानी में बर्फ़ डाल के ग्लास को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको ग्लास के आसपास वो इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो वाटर uh, वेपर्स जो उसके एयर में होते हैं आसपास उस ग्लास के आसपास जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं ठीक है ठीके? और जब वो कोल्ड सर्फेस को टच करते हैं कोल्ड सर्फेस क्या है ग्लास है ना जिसमें आइज़ है तो जैसे ही उसको टच करते हैं कूल सर्फेस उन्हें मिलती है तो वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर वेपर किस में कंडेंस होते हैं वाटर में ठीक है ये प्रोसेस है कंडेंसेशन का ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन द प्रीवियस चैप्टर ओके बिकॉज व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस इट कंडेंसेस सेकंड इज ऑक्सीजन पहले हमें इस एग्जांपल से पता चल जाता है कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन अभी आपको एक ही ये मेनली एन में दिया है और आप यही लर्न करना ठीक है कि वेटर वेप वाटर वेपर्स की प्रेजेंस हमारे एयर में कैसे पता चलती है नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारी इन्वायरमेंट uh, में ऑक्सीजन होती है फर्स्ट इज कैंडल कवर्ड विथ टेम्पलो गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम क्या होता है आप एक कैंडल लो ठीक है मतलब मोमबत्ती लो और एक मोमबत्ती को ऐसे ही बिना ढके बर्न कर दो क्या? और दूसरी जो कैंडल हो उसके ऊपर ना ऐसे ग्लास टम्बलर कोई ग्लास रख दो उसको ये बिल्कुल कवर करके ऐसे कैंडल को ढक दो तो क्या होगा कुछ टाइम बाद ये कैंडल जो है ये वाली कैंडल ये बुझ जाएगी एक्सटिंग्विश हो जाएगी लेकिन जो ये कैंडल है ये जलती रहेगी ऐसा क्यों क्योंकि एयर में हमारे होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स ठीक है लेकिन जो कंपोनेंट बर्निंग को सपोर्ट करता है वो होता है ऑक्सीजन अब जैसे इसको ढक दिया ठीक है ढकने के बाद क्या होगा ऑक्सीजन कुछ टाइम तक तो यूज़ होती रहेगी फॉर बर्निंग लेकिन जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी जलने के लिए अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगी जो कंपोनेंट सपोर्ट करता है बर्निंग को वो ही नहीं होगा तो क्या होगा वो बर्न करना बंद कर देगी कैंडल लेकिन क्योंकि इस फ्रीली फ्रीली प्लेस्ड कैंडल जो है इसके पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं विच इज़ विथ सपोर्ट्स बर्निंग एज वेल एज विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग तो बट यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है जो सपोर्ट करता है बर्निंग को तो अवेलेबल है इस वजह से ये चलती रहेगी ठीक है आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज द कंपोनेंट इन साइड ऑफ द ग्लास टम्बलो विथ सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड ठीक है जो सपोर्ट करता है बर्निंग को वो कंपोनेंट लिमिटेड है द कंपोनेंट ऑफ एयर विथ सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन जो कंपोनेंट सपोर्ट करता है बर्निंग बर्निंग uh, को वो होता है ऑक्सीजन हाउ एवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर ठीक है दूसरी वाली कैंडल को कंप्लीट सप्लाई मिल रही है एयर की मैं रीडिस्प्ले कर रही हूँ ताकि आपको अगर किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप नोट कर सको अपने नोट्स में इजीली नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एयर इज स्टिल देयर इवन आफ्टर कैंडल इज कवर्ड विथ टम्ब्लो बट गॉड एक्स्टिंग्विश मतलब कि एयर जो है वो स्टिल होती है अगर ढक भी दें तभी कुछ एयर तो बाकी होगी अंदर लेकिन फिर भी ये कैंडल जो है एक्सटिंग्विश क्यों हो गई वो इसलिए हुई क्योंकि जो एयर अंदर इसके होगी वो मे बी सपोर्ट ना करती हो बर्निंग को इसी वजह से वो एक्सटिंग्विश हो गई या बुझ गई ठीक है क्योंकि कुछ ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में ही बची है अंदर जो अमाउंट यूज़ हो गया बर्न होने के बाद ऑक्सीजन का उसके बाद वो बंद हो जाएगी है ना? बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन ठीक है हमें पता है मैंने पहले भी बताया कि एयर जो है मैक्स मेजरली नाइट्रोजन से बनी होती है ठीक है तो अगर नाइट्रोजन से बनी होती है तो अगर ये नाइट्रोजन इसे सपोर्ट करती होती बर्निंग को तो ढकने के बाद भी ये जलती रहती लेकिन नाइट्रोजन इसे सपोर्ट नहीं करती इसी वजह से ये बुझ जाती है जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ठीक है नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड वन मे फील सफोकेशन इफ देर इज सम मटीरियल इन अ क्लोज रूम विच इज़ बर्निंग अगर आपने देखा होगा कि घर में कोई पूजा भी होती है या कई बार तो क्या होता है बर्निंग होती है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ मटेरियल बर्न करते हैं हम तो कई लोग को सफेकेशन होने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि क्या होता है दिस इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्मुलेटिंग इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन तो यूज़ होती है ठीक है ये ऑक्स ये वाली ऑक्सीजन ये यूज़ होगी ठीक है इसमें ऐसे यूज़ होगी लेकिन रिलीज़ क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जब बर्निंग होती है किसी भी मटेरियल की ऑक्सीजन यूज़ होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एयर में वापस से रिलीज़ हो जाती है और एक्यूमुलेट हो जाती है किसी रूम में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से हमें सफोकेशन फील होती है क्योंकि हम ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं एक्सहेल मतलब बाहर निकालना इन्हेल मतलब अंदर लेके जाना नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये लास्ट चैप्टर्स कुछ दो तीन चैप्टर्स में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन क्या होता है फूड फूड को फूड में से एनर्जी लेने का प्रोसेस ठीक है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और दूसरा प्रोसेस क्या होता है प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू गैसेस और दूसरा एक और चीज़ भी कह रहे हैं कि जब हम प्लांट मैटर या एनिमल मैटर ठीक है जो मतलब जिसको हम जलाते हैं जैसे ड्राई लीव्स हो गई ठीक है उसको जलाते हैं तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो इसीलिए मना किया जाता है कि ड्राई लीव्स को ऐसे नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ठीक है बर्निंग ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप मे पॉल्यूट आर इन सराउंडिंग्स ऑलवेज रिमेंबर कि जो रेस्पायरेशन प्रोसेस लिखा हुआ है ना ये डिफरेंट होता है ब्रीदिंग से ठीक है ब्रीदिंग जो है एक रेस्पायरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन इन्ेल करना तो मतलब जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लेकिन जो हम एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ठीक है ये ब्रीदिंग होती है अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लेना मेरी मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक हमारे एयर में बहुत सी डस्ट और स्मोक भी होती है आपने देखा होगा मैंने इसमें मेंशन किया है कि जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं ये मा मास्क वेयर करते हैं ठीक है ठीके? जब भी ट्रैफिक में होते हैं तो और डस्ट भी हमारी एयर में प्रेजेंट होती है आप ये देख भी सकते हो सनलाइट में आपको इजीली विजिबल होगी डस्ट एयर में दिखेगी बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे आपको नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर लॉन्ग चिमनीज़ इन फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा लॉन्ग बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी चिमनीज़ लगी होती हैं वो इसलिए क्योंकि जब आ, फ्यूल जो है ना बर्न होता है तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है ठीक है बिकॉज द बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक और स्मोक में कंटेन हार्मफुल गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो ये स्मोक है इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं तो ये चिमनीज़ का क्या काम होता है जो स्मोक प्रोड्यूस हो रही है उसको हमारे नोज से दूर लेके ऊपर जाके छोड़ देना हालांकि हम हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चिमनीज़ यूज़ करते हैं लेकिन बर्ड्स को ये अफेक्ट करती है ठीक है जो ये स्मोक होती है क्योंकि हम ऊपर एटमॉसफेयर में जाके रिलीज़ करते हैं तो उससे बर्ड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है चिमनीज़ टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज अवे फ्रॉम आर नोजेज ओके दिस इज़ ऑल फॉर कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर किससे बनी होती है अब हम एक्यूरेट परसेंटेज एक बार एन में चेक कर लेते हैं और एक लास्ट पेज रह गया है इस बुक इस चैप्टर का वो मैं आपको एन सी बुक से ही कवर करा देती हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम है उसके नोट्स बनने की कोई नीड नहीं थी आप उसी में से एक बार रीड कर सकते हो ओके okay? एक बार मैं आपको ये नोट्स जूम करके भी दिखा देती हूँ यू कैन सी द कम्पोजिशन ऑफ एयर हमारी एयर जो है मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनी होती है ठीक है ये नाइट्रोजन ये है नाइट्रोजन वाला पार्ट और ये है ऑक्सीजन वाला पार्ट ये दोनों कंबाइन होकर नाइन्टी नाइन परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ठीक है इन दोनों को मिलाकर नाइन्टी नाइन परसेंट होता है एयर में और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर पेपर हो गए और अदर गैसेज ये सब मिला अराउंड वन परसेंट बनाते हैं Okay. In two gases together, these nitrogen and oxygen make up 99% of the air, and the remaining 1% is constituted by uh, carbon dioxide and a few other gases and water vapor. This okay. is composition of air. नेक्स्ट इज हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल मतलब ऑक्सीजन जो है कैसे अवेलेबल हो जाती है एनिमल्स और प्लांट्स तक जो पानी में रहते हैं या फिर सोइल में रहते हैं पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं उसके पहले दो एक्टिविटीज देख लेते हैं देन हम इसके डिस्कशन देखेंगे टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राईपोर्ट स्टैंड एक किसी बर्तन में आप पानी लो और या मेटल कंटेनर में और तो उसको क्या करो ट्राईपॉड स्टैंड पे रख दो ठीक है उसके बाद वेल बिफोर द वाटर बिगन्स टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर मतलब कि जब पानी बॉयल हो जाए होना स्टार्ट हो जाए ना तो उसकी इनर सरफेस पे अंदर की ये जो सरफेस होती है यहाँ पे देखना आपको बिल्कुल छोटे छोटे पहले टाइनी बबल्स जो होते हैं यहाँ पे दिखेंगे अराइज होते हुए बिल्कुल साइड्स में ठीक है पहली एक्टिविटी तो ये है इस एक्टिविटी से हम हमें क्या पता चलता है कि इस एयर के अंदर कुछ डिज़ोल्ड ऑक्सीजन होगी श्योरली तभी यहाँ पे बॉयल होने पे यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं है ना अगर ऑक्सीजन ना होती तो यहाँ बबल्स कैसे बनते पहली एक्टिविटी ये देख ली हमने उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉयल इन अ बीकर और अ ग्लास ड्राई सॉयल लो एक बीकर में या फिर ग्लास में उसमें पानी डालो ठीक है और देखो क्या होता है डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ सॉइल आप देख रहे हो कि सॉइल में से बबल्स निकल रहे हैं तो ये बबल्स का इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर इन दॉयल ठीक है ये बबल्स अगर सॉइल में भी अगर ऐसे बबल्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि श्योरली सॉइल में भी एयर प्रेजेंट है जैसे वाटर में एयर होती है ऐसे ही सॉइल में भी एयर होती है तभी ये बबल्स दिखते हैं नेक्स्ट वेन इज वेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सॉयल इट डिसप्लेसिज द एयर विच इज़ सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स होता क्या है कि अगर हम पानी डाल रहे हैं ठीक है सॉइल में तो क्या होगा सॉयल के अंदर कुछ एयर है वो एयर को हटाने के लिए एयर हटेगी तभी पानी उसकी जगह ले पाएगा है ना जब पानी डाल रहे हैं तो पानी को स्पेस तो चाहिए स्पेस वो भी लिक्विड हो या गैस हो वो हमें पता है कि ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस ठीक है तो वाटर को अपनी स्पेस चाहिए ऑक्यूपाई होने के लिए इसके अंदर वो तभी अपनी स्पेस ले पाएगा जब एयर यहाँ से मूव करेगी तो जब एयर यहाँ से मूव करती है वाटर उसकी जगह लेता है सॉइल की बात कर रहे हैं तो क्या होता है बबल्स दिखने हमें स्टार्ट होता था क्योंकि वाटर एयर जो है डिस्प्लेस होनी शुरू हो जाती है ठीक है द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन साइड द सॉइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सॉयल के अंदर और प्लांट रूट्स जो होती हैं वो भी ये दोनों रिस्पायर करते हैं इसी एयर में ओके एक बार ये भी देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम These bubbles come out from the air dissolved in water. मतलब कि जो bubbles होते हैं इस वाले activity में जो हमने देखा कि जो bubbles होते हैं air में से आ रहे हैं उस air में से जो dissolved is water के अंदर ठीक है जब हम heat करते हैं water को when you heat the water to begin with the air dissolved in it escapes

तो क्या होता है वाटर ही अपनी स्टेट चेंज करके वेपर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है स्टार्टिंग में तो एयर एस्केप करेगी उसके बाद जो वाटर होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जो वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है इस इसे ही हम इवेपोरेशन कहते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है द लिव इन ऑयल ये भी बता दिया कि ऑल्सो नीड टू रिस्पायर कि जो सॉइल में रहते हैं उनको भी रिस्पायर करने की ज़रूरत है तो कैसे करते हैं ये हमने देख लिया ठीक है और जो आ, ये वाला एक्टिविटी है ये इसीलिए आपको दिखाई गई है कि ये समझाने के लिए कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज़ द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर मतलब वो कैसे क्या करते हैं कैसे रिस्पायर करते हैं या कैसे ब्रीथ करते हैं थ्रू ऑक्सीजन इन वाटर ठीक है जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को वो यूज़ करते हैं कौन एनिमल्स लिविंग इन वाटर ये आपको अभी ये सारी एक्टिविटीज इसी लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स वाटर में और सॉयल में रहने वाले वो कैसे ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं लास्ट पेज एक बार देख लेते हैं अ लॉट ऑफ बरोस एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉयल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉयल मतलब बहुत सारे होल्स और खड्डे बनाए दिए जाते हैं डीप सॉयल में मिट्टी में एनिमल्स के द्वारा ठीक है एंड दिस बरोस आल्सो मेक स्पेसिस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉयल तो ये बरोस का क्या काम होता है एयर मतलब एयर की एयर के लिए स्पेस बनाना ताकि एयर इजीली अंदर चली जाए और बाहर चली जाए ठीक है ताकि जो एनिमल्स उसके अंदर रह रहे हैं सॉइल के अंदर वो इजीली ब्रीथ कर पाएँ लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रेन होती है ठीक है तो क्या होता है कि जो वाटर होता है ना वो फिल कर लेता है उन स्पेसिस को जो एयर ने ऑक्यूपाई की होती है हाउ एवर वेन इट रें हेविली वाटर फिल्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द दॉयल इस सिचुएशन में क्या होगा पानी भर गया उन स्पेसिस में जिसमें एयर थी तो इस इनमें क्या होता है फिर एनिमल्स जो है ब्रीथ नहीं कर पाते और जब ब्रीथ नहीं कर पाएंगे उनको एयर चाहिए होगी तो वो एनिमल्स सॉइल से बाहर निकलने लगते हैं फॉर रेस्पायरेशन in this situation animal living in the soil have to come out for respiration could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains earthworms aapne dekhe honge bahar aa jate hain soil ke jab rains hoti hai to hum kehte hain na barishon mein ध्यान से चलना चाहिए because earthworms होते हैं roads पर वो इसीलिए होते हैं क्योंकि soil के बाहर आ जाते हैं ये फॉर ब्रीदिंग या फॉर रिस्पायरेशन ब्रीदिंग अलग है रेस्पायरेशन अलग है हैव यू एवर वांडेड बट ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन मैं दोबारा दोबारा इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये चीज़ लर्न हो जाए हैव यू एवर वांडेड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफेयर डज नॉट गेट यूज अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट मतलब आपने कभी वनडर किया है कि जो ऑक्सीजन है एटमोसफेयर में वो सारी यूज़ क्यों नहीं हो जाती हालांकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स उसे कंज्यूम कर रहे हैं एंड हु इज़ रीफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ये कैसे होता है ये साइकिल के लिए साइकिल के थ्रू ही होता है ठीक है कि कुछ ऑर्गेनिजम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन कुछ एक्सहेल करते हैं तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन चलती रहती है और ऐसे ही ये ख़त्म नहीं होती हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस अभी कैसे ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है इन द एटमॉसफियर वी रेड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर सेवन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपको ये रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हो वीडियो पुराने वाली इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग विद इट इस प्रोसेस में क्या होता है प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं प्लान्टसो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम मतलब कि जब वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जब उस, उस खाने को उन्होंने एनर्जी लेने के लिए तोड़ना होता है जब उस खाने से उन्हें एनर्जी चाहिए होती है तो वो कुछ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं लेकिन जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है मतलब खाना बनाते हुए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है लेकिन उस खाने को ही अगर तोड़ने के लिए वो थोड़ी सी ऑक्सीजन उसी में से कंज्यूम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी ठीक है मतलब प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करते हैं और कंज्यूम बहुत कम करते हैं प्लांट्स ओवरऑल दिस इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन इट इज़ ऑबियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स ये ऑब्वियस थिंग है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इज मैंटेन थ्रू रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी कि ऐसे ही ये बैलेंस बना रहता है थ्रू रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द दोटोसिंथेसिज इन प्लांट्स ठीक है दिस शोज इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है ठीक है वी कैन now अप्रिशिएट हाउ important एयर is हाउ important एयर is फॉर लाइफ ऑन earth हम अब देख सकते हैं कि एयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है आर देर एनी अदर यूज ऑफ एयर हैव यूवर हर्ड अबाउट अ विंड मिल आपने विंड मिल के बारे में सुना होगा कि विंड मिल क्या होती है विंड को यूज करके कुछ और प्रोड्यूस करना ठीक है द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट इस विंड की वजह से ही ये विंड मिल जो है इसे रोटेट कर पाती है द विंड मिल इज़ यूज़ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स जो विंड की एनर्जी होती है मतलब विंड को यूज़ करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है पानी को खींचने के लिए फ्रॉम ट्यूब ट्यूबवेल्स ठीक है एंड टू रन फ्लोर मिल्स बहुत सारी मिल्स होती हैं जो जिसमें विंड मिल यूज़ होती है विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये विंड मिल्स हो गई फ्लोर मिल्स हो गई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ये कुछ कुछ यूज हैं इसके एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स ग्लाइडर्स पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स ये सबको पता है एंड बर्ड्स बैड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर जो एयर होती है इसी की प्रेजेंस की वजह से जो हम इंसेक्ट्स देख सक, देखते हैं या फिर बर्ड्स देखते हैं इसी एयर की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं एयर कैन आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कुछ और यूजेस भी हैं एयर के जैसे सीड्स की डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ठीक है मतलब कि जैसे सीड्स हैं किसी प्लांट के अगर वो गिर जाएं और हवा के थ्रू किसी और जगह पे जाके गिर जाएं तो वहाँ पे भी एक नया प्लांट उगाएगा अगर उसे रिक्वायर्ड uh, कंडीशंस मिलेंगी जैसे पानी एट्सट्रा तो वहाँ पे भी एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा या कह सकते हैं कि आप ये डिस्पोजल ठीक है पोलन डिस वो वाला मेथड आप बाद में पढ़ोगे अभी आपको यही समझना है कि डिस्पोजल ऑफ सीड्स क्या होता है ठीक है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दिया ना है ना समझ आए कुछ और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एंड एयर आल्सो ऑल्सो हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स पोलन क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लावर का जो uh, दो पार्ट्स होते हैं हमें पता है एंथर और फिलामेंट मतलब uh, स्टेमन होता है और पिस्टल होती है स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं एंथर और फिलामेंट ठीक है और एंथर में क्या होता है ये पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है थीके? मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ आपको थोड़ा सा शायद समझ आ जाए और ना समझ आए तो मैं आपको पुरानी वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना कि ये फ्लावर का स्ट्रक्चर में आपको आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कि पिस्टल क्या होती है स्टेमिन क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है एंथर में ही ये पोलस प्रोड्यूस होते हैं अगर ये पोलन अगर दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाए तो भी उस दूसरे वाले प्लांट के साथ फर्टिलाइज होके ये न्यू प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ओके एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल वाटर साइकिल में भी बहुत बड़ा रोल है एयर का दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर एयर दिस इज चैप्टर फिफ्टीन ऑफ साइंस क्लास सिक्सथ अगर अभी भी कुछ ना समझ आया हो कुछ डाउट हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना थैंक यू सो मच